present. I want to present कहाँ से आएगा? Present share screen. स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? हेलो, ओके, थैंक यू. सो वी कैन स्टार्ट विद दिस. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द स्टेरिलाइजेशन पार्ट. दैट इज द स्टेरिलाइजेशन मे बी क्रूशियल इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. कोई भी आपको प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करना है तो वहाँ पर आपका जो इंटरेस्ट का ऑर्गेनिज्म है, जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेन है जो कि आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, उसमें आपको इंटरेस्ट रहेगा. ठीक है, उसके अलावा अगर कोई और स्पीशीज़ वहाँ पे ग्रो करेगी तो हो सकता है कि आपका जो कल्चर है वो अदर स्पीशीज़ डोमिनेट कर जाए और जो आपका रिक्वायर्ड जो स्ट्रेन है वो उतना जल्दी जो सर्वाइव ना कर पाए. ठीक है, सो दैट मीन्स इन दैट सेंस आपके पास ये लिमिटेशंस रह जाते हैं कि आपका जो इन्वायरमेंट है, जो सर्फिसेज आप यूज़ कर रहे हैं, जो सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं, वो सारे सिस्टम्स जो हैं सिर्फ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ही सपोर्ट करने चाहिए जो कि आपके प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा. ठीक है, और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, फिर उसके लिए वो और जो कुछ भी साइड प्रोडक्ट्स हैं, बाय प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सिंथेसिस वहाँ पर नहीं डोमिनेट करनी चाहिए. सो फॉर दैट वेरी पर्पस आप जब भी प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो स्टेरिलाइजेशन की स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी, क्लीन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी पड़ेंगी ताकि किसी भी तरह का कोई कंटामिनेशन ना हो उसमें. कहीं पर भी जो है आपका कोई प्रोसेस के बीच में कोई और माइक्रोब डोमिनेट, कोई स्पीशीज ना आ जाए, मिक्स कल्चर्स ना क्रिएट हो जाए. मान लीजिए आपने प्योर कल्चर के साथ स्टार्ट किया था और बीच में कंटामिनेशन आ गया तो उसमें फिर मिक्स कल्चर्स ग्रो करने लगेंगे. तो वहाँ पर आपका जो मेन फोकस है प्रोडक्ट आइसोलेट करने का, फिर वो प्रोडक्ट आइसोलेट नहीं हो पाएगा. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में जो ये जो मिक्स्ड कल्चर्स आपके जेनरेट हो जाएंगे वो अपने अपने प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देंगे एंड देन दे विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. सो फॉर दैट वेरी पर्पस आपको स्टेरिलाइजेशन अडॉप्ट करना पड़ता है. नाउ व्हाट इज स्टेरिलाइजेशन? स्टेरिलाइजेशन इज पर्टिकुलरली इट इज रेफरिंग टू द किलिंग और एलिमिनेशन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कोई भी कंटेमिनेंट हो, किसी भी तरह का माइक्रोब हो, उसका कुछ भी रेमिनेंट रेसिड्यूअल ट्रेसेस भी अगर है तो उन ट्रेसेस को भी हटाना. दैट इज स्पेसिफिकली अगर हम स्पोर्स को रेफर करें तो स्पोर्स बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, माइक्रोबियल स्पोर्स, और उनको किसी भी तरह से आप अगर रिमूव करने की कोशिश करें तो वो रिमूव नहीं हो पाते. सो फॉर दैट वेरी पर्पस आपको जो है स्टेरिलाइजेशन की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी पड़ती है जिसमें कि आप पूरी तरह से स्पोर्स को भी एलिमिनेट कर दें. माइक्रोब को तो आप किलिंग कर रहे हैं, साथ साथ उनके जो रेजिस्टेंट स्पोर्स वगैरह हैं वो या इन्फेक्शियस कंपोनेंट्स हैं वो भी सारा कुछ आप उस सरफेस से रिमूव कर रहे हैं. देन स्टेरिलाइजेशन मीन्स टोटल एलिमिनेशन. इट इज़ एन एब्सोल्यूट टर्म. ऐसा नहीं है कि आपने जो है कुछ एक स्पीशीज़ के कोई आपने डिकन्टामिनेशन की स्ट्रैटेजी यूज़ करी है, वो डिकन्टामिनेशन की स्ट्रैटेजी से कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ किल हो गया और दूसरा स्पीशीज़ सर्वाइव कर गया. ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑल एंड ऑल कोई भी स्पीशीज़ हो, कैसी भी स्पीशीज़ हो, माइक्रो मतलब फंगल हो, बैक्टीरियल हो, इवन वायरल हो, या प्रायोन्स हो, या माइकोप्लाज्मा हो, कुछ भी हो, किसी जिस सरफेस पे भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं स्टेरिलाइजेशन की स्ट्रैटेजी, वो सब तरह के माइक्रोब्स किल हो जाने चाहिए. कुछ भी रेमिनेंट नहीं होना चाहिए. सो दैट इज़ इट शुड रिमूव ऑल फॉर्म्स ऑफ life including your transmissible agents such as bacteria, fungi, viruses, spores, etc. everything that may be present on a surface or in the fluid. आपका जो media component है उसमें हो सकता है,
आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है उस इम्प्योर प्रोडक्ट तैयार हो सकता है, तो उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, तो उस वहाँ से भी कंटेमिनेंट्स आपको रिमूव करने होंगे. देन यू हैव द जो बायोलॉजिकल कल्चर मीडिया की हम बात कर रहे हैं उसमें भी आपका हो सकता है, या वाटर भी आप जो सॉल्वेंट्स यूज कर रहे हैं उसमें भी कहीं कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं. सो यू हैव टू डिकंटेमिनेट और स्टरलाइज ईच एंड एवरी आस्पेक्ट. जो भी कुछ आप यूज़ करने चाह रहे हैं, चाहे आप लिक्विड मीडिया यूज़ करने चाह रहे हो, चाहे आप एयर देना चाह रहे हो, चाहे आप फर्मेंटिंग वेसल यूज़ करना चाहते हो, या फिर प्रोसेसिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में कोई प्यूरिफायर या डिस्टिलरी कुछ भी आप यूज़ करना चाह रहे, एनी इक्विपमेंट, दैट पर्टिकुलर इक्विपमेंट हैज़ टू बी स्टेरलाइज्ड. ओके, नाउ इट इज हाउ कैन यू अचीव दिस स्टरलाइजेशन. तो बेसिकली आपके कुछ टेक्निक्स जो होती हैं वो हीट के थ्रू हो सकता है, केमिकल्स के थ्रू हो सकता है, रेडिएशन के थ्रू हो सकता है, हाई प्रेशर है, फिल्ट्रेशन है, या इन सभी जो मेथड्स इनका कॉम्बिनेशंस है. तो इन सभी मेथड्स को बेसिकली तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, सो फर्स्ट इज फिजिकल स्टरलाइजेशन, that is by using heat, filtration or radiation. then chemical sterilization में जहाँ आप chemicals utilize कर रहे हैं, ज़्यादातर इनको disinfectants की तरह हम बोल सकते हैं कि use किया जाता है, वहाँ पर आप chemicals utilize करके sterilization कर रहे हैं. then there may be physico-chemical sterilization strategies जिसमें कि आप दोनों strategies को combine कर रहे हैं. ठीक है, so this chart gives you, this flow diagram gives you an overview of all the strategies कि हम किन किन तरीकों से sterilization या disinfection कर सकते हैं. so physical strategy, chemical strategy and the physiochemical strategy. now physical strategy में again you have further classification, that is आप directly sunlight use कर सकते हैं, या आप heat sterilize कर सकते हैं, या फिर मे बी बाई वाइब्रेशंस और रेडिएशंस और बाई फिल्ट्रेशन. फर्दर क्लास डाउन क्लासीफाई हो जाता है, हीट भी आपका जो है ड्राई हीट के फॉर्म में हो सकता है, मॉइस्ट हीट के फॉर्म में हो सकता है. दिस ऑल वी विल बी डिस्कसिंग इन गोइंग ऑन स्लाइड्स कि आपका कौन कौन से मेथड्स और हैं. देन जो आपका रेडिएशन है उसमें भी आपके नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हो सकते हैं या फिर आयोनाइजिंग रेडिएशंस यूटिलाइज हो सकते हैं. फिल्ट्रेशन में आपका बेसिकली सिंपल सा टेक्निक है कि आप फिल्टर कर दे रहे हैं और जो कुछ भी कंटामिनेंट्स हैं अगर वो फिल्टरेबल फिल्टर किए जा सकते हैं तो आपको क्लियर फिल्ट्रेट मिल जाएगा. सो यू मे यूटिलाइज वेरियस काइंड्स ऑफ फिल्टर्स, आपके पास एक फिल्टरिंग एड होता है उसको यूटिलाइज करके आप जो है जहाँ लिक्विड सब्सटेंसेस हैं ज़्यादातर वहाँ पर आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. तो दीज फिल्टर्स मे बी अर्दन वेयर्स और मेड ऑफ मेटालिक्स और मे बी ऑफ सिंटर्ड ग्लास या फिर आपके मेम्ब्रेन फिल्टर्स भी हो सकते हैं जैसे कि RO वगैरह में हम देखते हैं. देन The other thing is your chemical methods, जिसमें कि आप ज़्यादातर liquid form में substances को utilize कर रहे हैं या फिर gaseous form में use कर रहे हैं. So liquid form में you are having the alcohols, aldehydes, phenolics, halogens, heavy metals, surface active agents or the dyes. जिसकी वजह से इन में से कोई भी आप जो भी लिक्विड ले रहे हैं उसकी वजह से सरफेस डिसइंफेक्शन आपको मिल जा रहा है. ठीक है, देन गैसेस जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके फॉर्मल्डिहाइड, इथाइलीन ऑक्साइड एंड प्लाज्मा में भी यूटिलाइज्ड. नाउ दीज जो आपके इस तरह के जो लिक्विड डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो आपके सरफेस पे ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं और जो गैसियस कंपोनेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके पेनिट्रेटिंग होते हैं तो वो आपके विद इन द लेयर्स ऑफ द जो सर्फेसिस हैं उसमें भी जाकर डिसइंफेक्शन या डिकंटामिनेशन का वर्क करते हैं. तो दे कैन बी स्टरलाइज लाइक दैट ऑल्सो. सो एंड नेक्स्ट फिजियोकेमिकल जो है वो आपका कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजीज हैं जहाँ पर कि आप इन सभी फिजिकल मेथड्स की जो स्ट्रैटेजीज हमारे पास अवेलेबल हैं उसके साथ में कोई आप केमिकल कॉम्पोनेंट भी लेकर कंबाइन करते हैं दोनों स्ट्रैटेजीज को, तो दैट गिव्स यू द फिजियोकेमिकल स्ट्रैटेजीज.
Then next is your we start with the first one, that is your physical sterilization. Now you are doing it with the help of heat, filtration or by radiation. So generally जो आपके ये strategies हैं, जो भी strategy आप utilize करना चाह रहे हैं वो करेगा क्या, आपके जो compounds जो भी cell structure है उसके nature को change करेगा, चाहे plasma उसमें आपका moisture content degrade करे, dehydration cause कर दे, या molecules को conjugate कर दे, या structural changes induce कर दे, कुछ भी चेंजेस करके मोड ऑफ एक्शन जो है उनका कुछ भी हो सकता है और उसकी वजह से जो है स्टरलाइजेशन वर्क करता है. नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ फिजिकल स्टरलाइजेशन तो मेन आपका जो कंपोनेंट है दैट इज हीट. नाउ हीट में क्या है कि इट इज मोस्ट इफेक्टिव एंड द रैपिड मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन. आपको उसमें ज़्यादा एफर्ट, जैसे हम सनलाइट की बात करते हैं, एक तो बहुत आराम से चीपली अवेलेबल सोर्स है आप, और उसमें सोलर एनर्जी की वजह से हीटिंग इफेक्ट भी होता है, तो दैट इज़ वेरी रैपिड और आपका डिसइंफेक्शन भी प्रॉपर हो जाता है. सो व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी हियर, यहाँ पे हीट जो है वो थिकनिंग या क्लॉटिंग ऑफ सेल प्रोटीन्स में रिजल्ट करता है. द आउटकम ऑफ द फिजिकल स्टरलाइजेशन यूजिंग हीट इज दैट द सेल प्रोटीन्स विल बी आइदर थिकेंड और क्लॉटेड. तो डिहाइड्रेशन एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंड्यूस हो जाएगा एंड देन द क्लॉटिंग विल रिजल्ट. सो लेस हीट जो आप अगर लो टेम्परेचर्स पे दे रहे हैं, मे बी बिलो 100 डिग्रीज, तो वहाँ पर आपका जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस को वो स्लो डाउन कर देगा. ठीक है, मान लीजिए आपने लिक्विड नाइट्रोजन में रख दिया, कूल टेम्परेचर्स में रख दिया, या कुछ और स्ट्रेटजी ले ली, लाइफलाइजेशन वगैरह का ले लिया, तो वहाँ पर आपका टेम्परेचर लो डाउन हो रहा है एंड दैट विल रिजल्ट इन लेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी. तो माइक्रोब वहाँ पर पूरी तरह से अभी किल तो नहीं हुआ, रिमूव नहीं हुआ है, लेकिन वो किसी तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा. ठीक है, सो मोस्ट कॉमन मेथड्स जो लेबोरेटरीज में यूटिलाइज होते हैं आपका स्टेरिलाइजेशन बाय हॉट एयर ओवन होता है या फिर स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग. But we can classify this into basically three types. That is sterilization by moist heat, जहाँ पर कि moisture भी present है temperature के साथ में. Sterilization by dry heat, where there is no moisture is present. And there may be sterilization by hot air, जहाँ पर आप directly heat नहीं कर सकते हैं substances को, लेकिन आप अगर हीटेड एयर को पास करें तो भी सब्सटेंसेस स्टरलाइज हो सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन में एज आई टोल्ड यू कि ज़्यादातर आप जो लिक्विड सब्सटेंसेस हैं उनके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं. जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस होते हैं, थर्मोलेबाइल मीन्स जो कि हीट करने पर, टेम्परेचर रेज करने पर आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं या उनका एक्टिविटी लॉस हो सकता है. ठीक है, तो उनको आप हीट से स्टरलाइज नहीं कर पाएंगे. सो दोज सब्सटेंसेस आर स्टरलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन. नाउ दीज मे बी स्टरलाइज्ड बाय पैसेज थ्रू स्टराइल बैक्टीरिया रिटेनिंग फिल्टर्स. तो मेम्ब्रेन फिल्टर्स जो आपके ज़्यादातर सेलुलोज के डेरिवेटिव्स वगैरह होते हैं, या प्लास्टिक का मेम्ब्रेन हो सकता है, या पोरस सिरेमिक हो सकता है, या फिर कोई सूटेबल सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स हो सकते हैं, या फिर इन सबके ही कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं. सो नॉर्मली ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं इनकी जो पोर साइजेस होते हैं जो प्रिफर्ड किए जाते हैं दैट इज 0.22 माइक्रॉन. सो नॉर्मल ये पोर साइज ज़्यादातर यूटिलाइज किया जाता है ताकि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल कॉम्पोनेंट्स कैन बी फिल्टराइज फ्रॉम दिस पोर साइज. ठीक है, तो ये रिटेन हो जाते हैं इस पोर साइज पर और आपको क्लियर फिल्ट्रेट मिल जाता है. द नेक्स्ट इज योर रेडिएशंस, जिसमें कि आपके आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं. सो आयोनाइजिंग रेडिएशंस में क्या करेगा कि जो भी मॉलिक्यूल्स आपके अवेलेबल हैं, बायो मॉलिक्यूल्स, उनको वो आयंस में कन्वर्ट कर देगा, स्प्लिट कर देगा. दैट इज बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो भी कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो आयोनाइज हो जाएंगे, स्प्लिट अप हो जाएंगे. तो नेचुरली जो उनका इफेक्ट होना चाहिए वो इफेक्ट नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो दैट वे दे आर बीइंग यूज्ड.
Now we take a first one, that is your sterilization by moist heat. Now why we are considering heat again and again, why it is the simplest strategy? Now we all know jitne bhi hamare microbes hain unka ek working temperature hota hai, ek optimum temperature hota hai jis pe ki wo grow kar sakte hain, या एक टेम्परेचर रेंजेस होते हैं जिसमें कि वो सर्वाइव कर सकते हैं. तो अगर हम उस टेम्परेचर रेंज को ही चेंज कर दें तो वो माइक्रोब्स नेचुरली वहाँ पर किल हो जाएंगे. सो दैट इज़ व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग ऑन हीट स्टरलाइजेशन. नाउ व्हाई वी आर टेकिंग द मॉइस्ट हीट दैट यू आर टेकिंग मॉइस्चर ऑल्सो, आपका वहाँ पर लिक्विड वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट है, सैचुरेटेड स्टीम की हम बात कर रहे हैं. सो दिस मॉइस्ट हीट विल हैव अ डबल इफेक्ट, दैट इज एक तो वो डीनेचुरेशन कॉज करेगा, आपके जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो डीनेचर हो जाएंगे, और दूसरा जो आपके प्रोटीन्स वगैरह हैं वो कोएगुलेट कर जाएंगे. सो इट कैन कॉज द ब्रेकेज ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स ऑल्सो, और जो सेल का फंक्शनल इंटीग्रिटी है वो भी आपका लॉस हो जाएगा. नाउ दीज मेथड्स, मॉइस्ट हीट के जो मेथड्स हैं उसमें आपका आता है बॉइलिंग वाटर, या फिर स्टीम अंडर प्रेशर, और फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन. दैट इज आपका बॉइलिंग वाटर में टेम्परेचर जो है आपका नेचुरली 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, वाटर बाथ में आप रख के 30 मिनट्स तक इसको यूज़ कर सकते हैं. सो दीज मेथड्स कैन बी यूटिलाइज फॉर स्टरलाइजिंग योर इंस्ट्रूमेंट्स. सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सिरिंजेस हैं, रबर गुड्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. सो दीज कैन बी स्टरलाइज्ड बाय दीज मेथड, एंड दिस मेथड विल बी इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल बैक्टीरिया एंड इवन सम ऑफ देयर स्पोर्स. सो नाउ नेक्स्ट इज योर स्टीमिंग अंडर प्रेशर. तो ये आप लोग कॉमनली लैब में यूटिलाइज करते हैं, लेबोरेटरी में, दैट इज़ यू आर यूजिंग ऑटोक्लेव्स. बहुत कॉमन सा आपका इंस्ट्रूमेंट है जो आप लैब्स में यूटिलाइज करते हैं. सो हियर यू आर पासिंग द स्टीम, यू आर सैचुरेटिंग द ऑटोक्लेव चैम्बर विद द स्टीम. ओके, जितना भी एयर है उसको आपने रिप्लेस कर दिया है विद स्टीम. सो नाउ हियर इट द हॉट स्टीम इज बींग प्रोवाइडेड, और पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आप देते हैं. उस ड्यूरेशन में आपके ज़्यादातर माइक्रोब्स जो हैं वो किल हो जाते हैं. डिपेंड करता है कि आपने जो भी सब्सटेंस लिया है वो कितनी क्वांटिटी में है, कितने लॉट्स में, कितने फ्रैक्शंस में आपने लिया हुआ है. छोटे छोटे फ्रैक्शंस में अगर आप ऑटोक्लेविंग करेंगे तो वो जल्दी हो जाएगा. अगर आपने एक बड़ा सा लॉट लगा दिया, एक बड़े से फ्लास्क में ही पूरा मटेरियल रख दिया है, तो नेचुरली इट विल टेक टाइम फॉर गेटिंग स्टेरिलाइज्ड. सो इसको छोटे छोटे लॉट्स में लगाया जाता है. मतलब आपका अगर मान लीजिए 1 लीटर सैंपल है तो यू मेक इट इन फ्रैक्शंस ऑफ 250 ml, एंड देन आप उसको स्टरलाइज करिए. 250 ml के 4 फ्लास्क लगा दीजिए एक साथ में, तो वो जल्दी स्टरलाइज हो जाएगा रादर देन स्टरलाइजिंग 1 single lot of 1 liter. सो नाउ हाउ इट इज़ इफेक्टिव. नाउ जितने भी बैक्टीरिया आपके स्टीम के लिए ससेप्टेबल हैं वो सारे यहाँ पे किल हो जाते हैं. ठीक, देन स्टीम के जो पेनिट्रेशन पावर है वो काफ़ी हाई होती है, एंड दिस स्टीम हैज़ मोर स्टरलाइजिंग पावर एज कंपेयर्ड टू द हीट दैट इज़ गिवन अप ड्यूरिंग कंडेंसेशन. सो इस ये जो स्ट्रैटेजी है ऑटोक्लेव में यूटिलाइज होती है. Then next is your fractional sterilization. Now this is also known as tyndallization, जिसमें कि आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज़्यादातर वर्क करता है और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वर्क करता है. ऑटोक्लेव में क्या है कि वहाँ पर प्रेशर भी जनरेट हो रहा है स्टीम के साथ साथ में. एक क्लोज्ड चैम्बर में आप करें तो प्रेशर भी जनरेट हो रहा है, लेकिन फ्रैक्शनल स्टेरलाइजेशन या tyndallization में कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगेगा. ठीक है, एंड दिस इज सुटेबल फॉर ऑब्जेक्ट्स विच मे बी डैमेज एट राइजिंग टेम्परेचर्स. जो बहुत हाई टेम्परेचर, जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस हम कहते हैं, उनके लिए आप ये प्रोसेस यूटिलाइज कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी हियर, कि आपका जो भी सब प्रोडक्ट है या जो भी सब्सटेंस को आपको स्टेरलाइज करना है उसको जो है आप लगभग 20 to 30 minutes तक हीट अप करते हैं, एंड देन यू अलाउ इट टू कूल इट डाउन एंड लीव इट फॉर 1 day incubation.
वन डे इंक्यूबेशन के बाद में फिर से आप उसको नेक्स्ट डे जो है फिर से 20 मिनट्स या आधे घंटे के लिए बॉईल करते हैं एंड यू अगेन लीव इट फॉर वन डे इंक्यूबेशन। तो इस तरह से तीन चार दिन आप उसको जो है करते रहते हैं एंड देन द प्रोसेस इज अ प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, बट इट कैन बी इफेक्टिव। आपके जो रेजिस्टेंट स्पोर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो इस तरह का हीट शॉक्स आपको दिए जाते हैं, बीच बीच में हीट शॉक्स इन स्पोर्स को मिलते हैं, उसकी वजह से जो उनके लेयर्स होते हैं वो रप्चर कर जाते हैं एंड द स्पोर्स में स्टार्ट टू जर्मिनेट। ठीक है, तो रेजिस्टेंट स्पोर्स हैं वो जो इंक्यूबेशन का हम एक दिन का बीच में गैप दे रहे हैं दो हीटिंग के बीच में, उसकी वजह से वो स्पोर्स जो हैं वो जर्मिनेट कर जाएंगे। तो जब आप नेक्स्ट डे दोबारा उसको हीट करेंगे तो वो स्पोर्स भी किल हो जाएंगे। सो 2-3 डेज का मतलब ऑल्टरनेट इंक्यूबेशन एंड हीटिंग का प्रोटोकॉल रहता है एंड दैट स्टेरलाइजेज द सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज स्टेरलाइजेशन बाय ड्राई हीट। नाउ ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है वो ज़्यादातर 160 डिग्रीज तक किया जाता है और टेम्परेचर को लगभग 1 आवर्स के लिए होल्ड किया जाता है। 160 डिग्री पे 1 आवर्स के लिए आप मेंटेन करते हैं। तो जितने भी आपके मान लीजिए मॉइस्ट हीट से किल नहीं हो रहे हैं माइक्रोब्स, वो भी माइक्रोब्स आपके किल हो जाएंगे, हाईली रेजिस्टेंट स्पोर्स भी आपके यहाँ पर किल हो जाते हैं और जो आपके सबस्ट्रेट सर्फिसेज हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स हैं वो भी आपके ड्राई रह जाते हैं। नाउ द मैकेनिज्म्स, जैसे अभी और पीछे वाले मेथड्स में भी है, यहाँ पे भी सेम स्ट्रैटेजी है कि आपका प्रोटीन कोएगुलेट कर गया, डीनेचर हो गया, इनएक्टिव हो गया या किसी तरह का ऑक्सीडेटिव डैमेज इंड्यूस हो जाता है सेल्स में या फिर टॉक्सिक इफेक्ट्स राइज होने लगते हैं, डिहाइड्रेशन होने लगता है, तो उसकी वजह से भी आपका जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है या इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेंट्रेशन है विद इन द सेल वो काफ़ी राइज कर जाता है। सो दैट रिजल्ट्स इन द किलिंग ऑफ द सेल्स। नाउ द मेथड्स में इंक्लूड योर रेड हीट, फ्लेमिंग और स्टरलाइजेशन बाई हॉट एयर। नाउ रेड हीट में आप जो सिंपली लैब स्ट्रैटेजी होती है कि लेबोरेटरी स्ट्रैटेजी है, उसमें आप जो है जो लूप्स वगैरह लेते हैं या स्ट्रीकिंग के लिए जो आप छोटे छोटे स्कैलपेल है या इनोक्यूलेशन लूप्स वगैरह हैं उनको अगर आपने करना है स्टरलाइज तो इस मेथड से किया जाता है। डायरेक्टली आप जो है इन इक्विपमेंट्स को बंसन बर्नर या स्पिरिट लैम्प की फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर उसके बाद से टेम्परेचर जो जैसे जैसे राइज करेगा, जैसे जैसे आपका जो इक्विपमेंट है या इंस्ट्रूमेंट है वो हीट अप होगा, इट विल टर्न रेड हॉट एंड उसके रिजल्टेंट स्टरलाइजेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो बट दिस स्ट्रैटेजी में समटाइम्स भी प्रॉब्लमेटिक बिकॉज हो सकता है कि कुछ स्पिलेजेस आपके रिजल्ट कर जाए व्हेन यू आर हीटिंग द एलिमेंट्स ऑन द बंसन बर्नर फ्लेम। देन फ्लेमिंग में भी सेम वे आप कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लेम के थ्रू पास किया जाता है पर रेड हॉट नहीं होने दिया जाता। स्कैल्पल वगैरह जैसे आप सेल कल्चर्स में आप यूज़ करना चाह रहे हैं कि एकदम से जो है स्कैल्पल का टेम्परेचर नहीं राइज करना चाहिए, लेकिन जो आप सबस्ट्रेट सरफेस है वो स्टेरलाइज हो जाए, तो सिंपली आप फ्लेम के थ्रू उसको पास करेंगे और फिर विड्रॉ कर लेंगे, वहाँ पे होल्ड नहीं करेंगे उसको, रेड हॉट होने का वेट नहीं करेंगे। ठीक है, सो दैट इज द स्ट्रैटेजी। देन स्टरलाइजेशन बाय हॉट एयर, जिस जो कि कॉमनली आपका हॉट एयर अवन को यूटिलाइज करता है, मोस्ट कॉमन मेथड है जो लैब्स में यूटिलाइज होता है। नाउ दीज सब्सटेंसेस आर दीज मेथड्स आर यूजफुल फॉर स्टरलाइजिंग ग्लास वेयर, स्वैब स्टिक्स, ऑल ग्लास सिरिंजेस, powders or any oily substances, they can be sterilized in this hot air oven. Now the temperature is maintained at 160 and the duration is given 1 hour. So this temperature and this particular duration selection will lead to sterilization. Then next strategy आती है आपकी filtration, where you are using some kind of filtering aid to sterilize the surfaces.
और द लिक्विड मीडिया, जहाँ पर आपका ज़्यादातर थर्मोलेबाइल सॉल्यूशंस को आप फिल्टर कर रहे हैं. सो हियर देयर मे बी द फिल्टर्स मे बी आइदर योर अर्दन वेयर्स, एस्बेस्टस फिल्टर्स और सिंटर्ड ग्लास फिल्टर्स और मेम्ब्रेन फिल्टर्स. डिपेंड करेगा कि आपका जो माइक्रोब आप रोकना चाह रहे हैं, जिस कंटामिनेशन को आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, वो आपका फिल्ट्रेट पर रुक जाए, वहाँ पर फिल्टर एड के ऊपर सेटल कर जाए. ठीक है. सो नाउ द पोर साइजेस आर वेरी स्मॉल, 0.2 माइक्रॉन, तो दैट मे कॉज कि आपका फिल्टर जो है बहुत जल्दी क्लॉक कर जाए और फिर उसकी एफिशिएंसी ख़त्म हो जाए. तो यू नीड टू चेंज द फिल्टर्स. या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा बड़े पोर साइज़ का 2-3 लेयर्स का फिल्टर्स एक के ऊपर एक रखें, एंड देन जो आपके लार्जेस्ट पार्टिकल साइज हैं वो उस पर सेटल कर जाएंगे, एंड देन दे द फिल्ट्रेट विल गो थ्रू दीज डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट पोर साइजेस, एंड फाइनली 0.2 माइक्रॉन के मेम्ब्रेन के थ्रू आपका सब्सटेंस फिल्टर हो जाएगा. सो दैट विल manage the problem of frequent clogging in the filters. Next is radiation. Now non-ionizing radiations जो आपके wavelength है ज़्यादा होती है from the visible range, and these are can be generated from a mercury vapor lamp. Now ज़्यादातर UV rays को utilize किया जाता है, and they cause changes in the DNA structure of the microbes. तो DNA structure में क्या करेगा, thymine, thymine का dimer का formation कर देगा, तो replication of DNA जो है वो आपका stop हो जाएगा या inhibit हो जाएगा. So these UV rays जो radiations हैं वो directly आपका कह सकते हैं कि genetic component को या mutations को cause कर देता है, और उसकी वजह से आपका जो different base pairings हैं वो change हो सकते हैं या dimers का formation हो सकता है, replication of DNA stop हो जाता है. So this will result in the inactivation immediately, within seconds inactivation हो जाता है और आपको sterilization fast मिलता है. ठीक है. Then there are ionizing rays, they also have very good penetrative powers. Then this is जहाँ पर आपको मैंने बताया heat sensitive substances हैं, cold sterilization करना है, low temperature पे आपने करना है, वहाँ पर आप इस तरह के ionizing rays को utilize कर सकते हैं. Now these ionizing rays में भी either in the form of particulate or in the form of electromagnetic rays. Now in the जो आपके particulate matter में आते हैं, electron beams जो हैं वो particulate nature में होते हैं, जबकि जो gamma rays होते हैं वो electromagnetic nature में होते हैं. So now these ionizing rays, as I've already told, कि ये ions का formation करते हैं, जो biomolecules आपके cells के अंदर present हैं, bacterial cell के अंदर मौजूद हैं, उनको ionize कर देंगे, ion का formation हो जाएगा, तो naturally biomolecules split up हो गए ions के form में, तो अब उनके पास वो जो है inactive हो जाएंगे, और फिर जो भी process को वो promote कर रहे थे, metabolic activity को वो promote कर रहे थे, वो activity जो है आपकी इनहिबिट हो जाएगी, कंटिन्यू नहीं हो पाएगी. सो वी हैव कम टू द क्लोजर ऑफ दिस सीरीज, कि जहां पर आपको मैंने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बता दिए हैं फॉर फिजिकल स्टरलाइजेशन, फिजिकल कैसे कैसे आप कर सकते हैं. नेक्स्ट इन द अपकमिंग लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द केमिकल प्रोसीजर्स, कि जिनके थ्रू आप स्टरलाइजेशन स्ट्रैटेजीज को कंप्लीट कर सकते हैं. सो एनी क्वेश्चंस? ओके. So I hope you all have marked your attendance. आज शिवम कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है. ओके. So if no queries, then we can conclude the meeting. Thank you.